और अक्सर आपने पैसे निकालने वाले एटीएम, पानी निकालने वाले एटीएम और दूध निकालने वाले एटीएम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने अनाज निकालने वाले एटीएम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि ये एटीएम यूपी सरकार के प्रयासों से राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में लगाया गया है। इस एटीएम को लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से लोगों को बेहतर सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाना है। बता दें कि सरकारी राशन दुकान पर लगे इस अनाज एटीएम से लोगों को राशन कार्ड पर मिलने वाला अनाज मशीन से दिया जा रहा है। पहले उपभोक्ताओं को तराजू से तौलकर गेहूं, चावल आदि दिए जाते थे, अब ग्रेन एटीएम के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरित किए जाने का काम किया जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में ग्रेन एटीएम मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। राशन की सरकारी दुकानों की छवि हमेशा से ही ऐसी रही है, जहां दुकान के बाहर भीड़, शोर शराबा, अव्यवस्था देखने को मिलती है। लोग यहां दुकान चलाने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं कि सामान की मात्रा, गुणवत्ता गड़बड़ कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब ये सारा काम बायोमेट्रिक स्कैन से होने लगा है। जी हाँ, लखनऊ में सरकारी राशन की दुकान पर गेहूं और चावल देने के लिए एक आधुनिकतम मशीन का प्रयोग हो रहा है। इस मशीन को ग्रेन एटीएम कहा जाता है। ग्रेन एटीएम मशीन लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कैसे मिलता है ग्रेन एटीएम से राशन? राशन लेने के लिए सबसे पहले राशन कार्ड का नंबर बताना पड़ता है, जिसके बाद बायोमेट्रिक सिग्नेचर लगता है और फिर मशीन पर शख्स के लिए जितना अनाज निर्धारित है वह मशीन पर लिखकर आ जाता है। इसके बाद जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं, उसी तरह मशीन से तय की गई मात्रा के अनुसार अनाज निकलता है। दुकान में राशन लेने आए शख्स ने बताया कि पहले बड़ी दिक्कत आती थी, शोर शराबा होता था, पर अब तो तुरंत ही काम हो जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें अनाज गुणवत्ता भी अच्छी दिख रही है और यह भी डर नहीं है कि दुकानदार कुछ गड़बड़ करेगा। यह मशीन क्रेन मशीन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में 3 मशीनें लगाई गई हैं। इस मशीन की पूरी लागत 12 से 15 लाख रुपए आती है।